विधवा को तो फिर भी समाज में उनको दया मिल जाती है, लेकिन छोड़ी हुई औरत को दया नहीं धिक्कार मिलता है। विधवा को तो फिर भी दो दाने मिल जाते हैं खाने के लिए, लेकिन छोड़ी हुई औरत को ताने मिलते हैं समाज से। छोड़ी हुई औरत होना ऐसा दाग है जो माथे से कभी नहीं मिटता, और भुगतना पड़ता है उसके परिवार को, जो हम भुगतेंगे ना जीवन भर। पौधे बस नहीं दीदी, उसे जानना था ना, तो मैं उसे बताकर ही रहूंगी ताकि उसके नखरे हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बहुत उड़ रही थी ना बोंदिता, अब तुझे जमीन पे आना होगा। और सुन, छोड़ी हुई औरत वो होती है जिसका पति उसे त्याग देता है, उसे जिंदगी भर अकेले ही जीना पड़ता है। ना वो विधवा होती है ना सतवा, सिर्फ एक अभिशाप होती है, अभिशाप। दरवाजा क्यों नहीं खोली मिनी? अनिरुद्ध प्लीज जाओ यहाँ से, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध प्लीज जाओ। मैं दरवाजा खोलता हूँ मिनी। क्या तुम पागल हो गए अनिरुद्ध, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अनिरुद्ध तुम निकलो यहाँ से। मिनी तुम समझ क्यों, दरवाजा तोड़ो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे अनिरुद्ध? तोड़ो। तुम मिनी के कमरे में, अनिरुद्ध तुम रात भर मिनी के कमरे में थे। पाप है ये, अधर्म। मैंने यहाँ मुझे पूजा पाठ करने के लिए बुलाया था, यह पाप देखने के लिए। किस पाप की बात कर रहे हैं पंडित जी? क्या क्या धर्म किया है हमने? आपका इन बातों से कहने का मतलब क्या है? हाँ पंडित जी, लड़की की बात है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये बात यहाँ से बाहर ना जाए, वरना आप तो जानते हैं बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी बेटी की। ऐसी बातें छुपती हैं क्या? ये बात तो जंगल के आग की तरह फैलेगी। अधर्म करने से पहले नहीं सोचा था कि इसका नतीजा क्या होगा। भुगतो अब। अरे कैसी बदनामी, क्या भुगतो, हमने कुछ किया ही नहीं है, कैसा अधर्म है ये? अंकल मेरी बात समझिए, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। ये देखिए, इससे भी बड़ा सबूत चाहिए आपको ये जानने के लिए कि यहाँ पे घोर पाप हुआ है। ये एक बाल आपका सबूत है पंडित जी। पंडित हैं, पंडित का काम कीजिए, जज बनकर फैसला मत सुनाइए, जाइए यहाँ से। शिव 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 शिव, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे पर कैसी, पंडित जी आपसे विनती है, इस बात को अपने तक ही रखिए, वरना मेरी बेटी इस समाज में जी नहीं पाएगी। पाप को छुपाने की कीमत दे रहे हैं आप मुझे? आप क्या चाहते हैं कि मैं भी इस पाप का भागीदारी बन जाऊं, धर्म को छोड़ दूं मैं? तू है ऐसे धन पर, अगर हम पंडित ही पाप को छुपाने लगे तो क्या पवित्रता बचेगी समाज में? क्या फर्क रह जाएगा हमें उन वेश्याओं के चंडाल खाने में? शिव 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 शिव, घोर पाप हुआ है यहाँ पे, घोर पाप। कोई पाप नहीं हुआ है अंकल, कोई अधर्म नहीं किया है। दीदा क्या हो गया, मिनी अपवित्र हो गई रे। दीदा मिनी अपवित्र कैसे हो गई? दीदा मेरी बात समझिए, जैसा आप लोग समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में अंकल, ऐसा कुछ नहीं। बस करो अनिरुद्ध, बस करो, तुम यहाँ से चले जाओ। मिनी अनिरुद्ध तुम जाओ यहाँ से, जाओ अनिरुद्ध प्लीज। आपकी लड़की पूरी पागल हो गई है, आदमी कभी भी छोड़े हुए होते हैं क्या? लेकिन मैं बस बोंदिता, बस कर, अब कुछ मत बोल बोंदिता, कुछ मत बोल। क्यों माँ? मामी कभी दूध में जमी मलाई छोड़ती है क्या हांडिया में? जो मैं अपने प्रश्न छोड़ दूँ, मेरे हवेली छोड़कर जाने से
एकाकी जीवन तो पति बाबू भी जी रहे हैं, तो क्या पति बाबू भी अब ना विधवा है ना सदमा है? क्या छोड़ा हुआ आदमी भी अभागा कहलाता है? अशुभ और अपशब्द भी माना जाता है? क्या छोड़े हुए आदमी का भी जीवन अभिशाप है? रे काली माँ, इस लड़की का क्या करेंगे हम? तू क्या हमें नरक भेजना चाहती है? हाँ, पाप करवाना चाहती है हमसे? बोंदिता, एक बात कान खोलकर सुन ले, आदमी अगर कीचड़ पे भी लेट जाए तभी भी उस पे कोई दाग नहीं लगता, सारी कालिक लगती है तो औरत पे ही लगती है। और तुझे अपने सारे प्रश्न के उत्तर जानने हैं ना, तो जा अपने पति बाबू के पास जा और जान ले सारे उत्तर उनसे। चली जाओ वापस अपनी माँ के पास। जाओ वापस अपने बारा। कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बोंदिता। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बोंदिता। यहाँ कोई नहीं सुनना चाहता मेरे मन की बात, कोई नहीं उत्तर देता मेरे प्रश्नों का। तूने तो सुना ना, बता कुछ गलत पूछा क्या मैंने? दीदी संभालिए अपनी बेटी को, पागल हो गई है ये। अरे नींबू भी बात करता है भला? हाँ, बात कर सकते हैं नींबू से। कहा था मेरे पति बाबू ने, अरे आपने कहा था? न जाने सुबह से सर भारी भारी क्यों लग रहा है। ये नींबू का रस चख लीजिए पति बाबू, सर एकदम हल्का हो जाएगा आपका। अच्छा, असर करेगा क्या ये? हाँ, कभी गलत कहा है बोंदिता ने, वैसे भी मेरी माँ का नुस्खा है, कैसे नहीं करेगा सर? हाँ बोंदिता, क्या इसे ऐसे ही डाल दूँ मुँह में? शौते शौते आपको भी गड्ढा लगा ना पति बाबू, आपको पता है ये जब नींबू को चखती हूँ तो ऐसे ही आंखें बंद हो जाती है मेरी भी। हाँ बोंदिता, नींबू आदमी और औरत दोनों के लिए एक ही होता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि नींबू सोचता है कि अच्छा तो मुझे औरत खा रही है तो इसे मैं खट्टा लगूंगा, ओ अभी मुझे आदमी खा रहा है इसे मैं मीठा लग जाता हूँ। पति बाबू, नींबू का भी बात करते हैं? हाँ बोलता, यही कहानी तुम भी सबको बताना, अगर तुम्हारे सामने कोई आदमी औरत में भेद करे ना तो यही कहानी बताना सबको। बरिस्टर बाबू, बहुरानी जी की बातों को याद करके हंस रहे थे ना? नहीं तो मैंने बोंदिता की सारी यादें मिटा दी हैं बिहारी, जैसे जैसे तुमने उसकी हर निशानी मिटाई है ना वैसे। पंचायत वाले आए हैं, साथ में सौदामिनी जी के पिताजी भी आए हैं, आपको बुला रहे हैं वहाँ, ध्यान रखिएगा माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है वहाँ।
दाग है औरत जात पर। तुझे भगवान का प्रसाद देकर इसे जहर नहीं बनाना हमें। हमें प्रसाद देंगी तो वो जहर बन जाएगा। क्यों? भगवान तो सबके लिए एक समान है ना। देखो इस बाजारू औरत को, अपनी गंदी जुबान से भगवान का नाम ले रही है और इसने तो गांव के पानी को छूकर उसे भी गंदा कर दिया। इस गंदी औरत, छीन लो इससे पानी। ले, पानी दे लो। पानी तो दे दीजिए। छी, देखिए बहुत प्यास लगी है हमें, पानी दे दीजिए ना। देखिए आप हमें दे दीजिए ना पानी। देखिए बहुत प्यास लग रही है। कोई नहीं है क्या जो हमें पानी दे सकता है? प्यास लगी है हमें, पानी दे दीजिए ना। पानी, पानी, कोई हमें पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है हमें, पानी। तुम बाजारू लोगों को पानी देकर पाप का भागी नहीं बनना हमें, जाओ। आप हमें पानी दे दीजिए ना, दो बूंद पानी। इस गांव में कोई इंसान नहीं बचा है क्या जो हमें पानी दे सके? किसी के मन में थोड़ी सी भी दया नहीं है क्या? कोई तो पानी दे दीजिए हमें, बहुत प्यास लगी है। पानी, पानी। जब इन सभी गांव वालों ने हमें बाजारू औरत कहकर पानी देने से मना किया तो तुमने हमें पानी क्यों दिया? ये बाजारू औरत कौन होती है? ऐसा समझ लो कि तुमसे और इन सभी औरतों से अलग होती है। हद होती है। हम उजी की बेटी के साथ आप पूरी रात एक साथ कमरे में रहे, क्या आपने ये ठीक किया? बिल्कुल ही ठीक नहीं किया है। समाज के लिए ये कलंक है, कलंक। कैसा कलंक? जाने कैसे मुझे नींद आ गई, मैं मिनी के कमरे में सो गया। पर हमारे बीच में जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। सुना आपने, वैसा कुछ नहीं हुआ है कि पंचायत के पंचों को हवेली में आने की जरूरत पड़ जाए। मुझे लगता है इससे भी कई ज्यादा जरूरी काम है हमारे पंचायत के पास। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ मुखिया जी क्या क्या काम करनी चाहिए हमारे क्षेत्र में। विलायत से बैरिस्ट्री की पढ़ाई क्या करके आ गए हो? अपने संस्कार अपनी संस्कृति बिल्कुल भूल गए हो। एक जवान लड़का एक जवान लड़की एक कमरे में पूरी रात तभी रह सकते हैं जब वो विवाह के गठबंधन में या फिर शादी के पवित्र रिश्ते में बंध गए हो। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया है, आपको अपने इस पाप का प्रायश्चित करना ही होगा और अभी करना होगा। कैसे नहीं देती? मेरे पति बाबू ने सिखाया है जब कलकल बहती नदी ये हवा किसी में भेदभाव नहीं करते तो हम क्यों भेदभाव करें इंसानों में? पति बाबू कहते हैं जब नदी पेड़ चांद सूरज रूप छांव अमीर को भी उतना ही देते हैं जितना गरीब को, ऊंची जात वालों को भी उतना ही देते हैं जितना बाकी जात वालों को, तो हमें भी भेदभाव करना चाहिए क्या? इतनी छोटी सी हो पर इतनी बड़ी समझ। ये मेरी समझ नहीं है, पंडिता तो बुद्धू है, उसे तो समझदार बनाया उसके पति बाबू ने। हमेशा मेरी जिम्मेदारी लेते हैं, रक्षा करते हैं मेरी, जैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान से
का नहीं मानती हूँ मैं उन्हें। और आपको पता है वो शिक्षक भी है मेरे, और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बेरिश्तरा बाबू हैं। छोड़ी हुई औरत है ये, इसके पति ने इसको छोड़ दिया है। माँ दुर्गा, आज तक मैंने आपकी जितनी भी पूजा की उसका फल इस बच्ची को दे देना, मिला तो इसे अपने पति बाबू से। कहते हैं कि हम जैसी औरतों की दुआ खाली नहीं जाती, तो मेरी दुआ का भी मान रखना माँ दुर्गा। भेज दो इसके रक्षक बाबू को इसकी रक्षा करने के लिए। प्रार्थना है इस रसिया की आपसे। नहीं मानता मैं आपकी बात को। शायद आप सही कह रहे हैं। नहीं जानता मैं हमारे देश की संस्कृति और सभ्यताओं को, हमारी परंपराओं को शायद उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं जानता। पर मेरे काका तो जानते हैं ना, त्रिलोचन काका, वो तो यहीं पे रहे हैं, वो तो सारे संस्कार सारी संस्कृतियां जानते होंगे, उन पे तो विश्वास है ना आप सबको? है तो ठीक है, काका से ही पूछ लेते हैं। अगर काका कहेंगे कि मैंने कोई गलती की है और मुझे मिनी से शादी करनी होगी तो मैं सोच लूंगा इस बारे में। लेकिन मुखिया जी, अगर काका ने मेरे पक्ष में कुछ कहा तो दोबारा इस बात को लेकर इस हवेली में मत आइएगा। चलो। सुदामिनी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते त्रिलोचंदा, और ऊपर से वो लड़की बोंदिता आज भी उनके दिल में कहीं ना कहीं बहू बनकर बसी हुई है। इसीलिए त्रिलोचंदा तो अनिरुद्ध की शादी सुदामिनी से नहीं होने देंगे। आरती की है क्या? ये कपूर और अगरबत्ती की खुशबू कहां से आ रही है? बहू, बोंदिता बहू, बहू ने आरती की है क्या? माता रानी की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। मालिक, अब आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है और बहुरानी जी भी है। मेरा मतलब है मालिक कि हवेली में इस समय दुर्गा माँ की आरती का नियम होता है, पंडित जी को बुलवा करके हमने पूजा करवा लिया है, अब आरती लीजिए ना मालिक। जो तुमने कहते कहते नहीं कहा वो भी सुन लिया हमने। मालिक माफ कर दीजिए, हमें गलती से बहुरानी जी का नाम निकल गया था मुंह से, मैं भूल गया था कि बहुरानी जी की हंसी नहीं गूंजती है इस हवेली में। और क्या करे मालिक, बहुत पाक का पवित्र रिश्ता यूं अलग किया जा सकता है क्या बिहारी? जो हुआ सो हुआ, पर अनिरुद्ध की पत्नी है वो, भाई चौधरियों की बहू है। ध्यान रहे, अभी चाहे हमने सजा के तौर पर उसे मायके जाने दिया है, पर दुर्गा पूजा के पहले किसी भी हालत में हम उसे खुद यहाँ लेके आएंगे। रोती हूँ बहन, मैंने चिट्ठी भिजवा दी है अनिरुद्ध जमाई बाबू को। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि चिट्ठी पढ़ते ही अनिरुद्ध बाबू दौड़ते चले आएंगे और देखना आते ही तुम्हारी बेटी बोंदिता का सारा दुख दूर कर देंगे। दो तीन दिन में चिट्ठी मिल जाएगी ना जमाई बाबू को? दादा, मेरी बोंदिता को छोड़ दिया है उन्होंने, अब ये बात गाँव वालों से छुपी नहीं है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है दादा, पर मेरी बोंदिता पर उंगली भी उठे ये नहीं सह पाऊंगी, मैं नहीं सह पाऊंगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है बहन,
एक दो दिन में चिट्ठी मिल जाएगी। हाँ, कोई चिट्ठी नहीं भेजी मैंने जमाई बाबू को, इसके लिए माफ करना मुझे सुमति बहन, पर मेरी संपूर्णा की शादी बचाने के लिए अपनी शादी का त्याग करना ही पड़ेगा बांदेदा को। काका, काका ये लोग मेरी शादी मिनी के साथ करवाना चाहते हैं, क्या ये सही है? क्या ऐसा कैसे कह सकते हैं? कैसा विकार थे? देख रहे हैं, एक दो दिन हमारी तबीयत क्या बिगड़ गई, हवाएं बदलने लगी हैं इस घर की। उस दिन हमने सिर झुकाया था क्योंकि हमारी बहू से गलती हुई थी, पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि जीवन भर जमींदार दो महिलाएगा तुम्हारे आगे मुखिया? हमने बहू को सजा के तौर पे उसके मायके भेज दिया, तुम लोगों की पाई पाई की भरपाई की पूरा हिसाब बराबर किया, किया कि नहीं? तो ये कैसे सोच लिया तुमने कि हम इस घर में कोई और बहू आने देंगे? हमारी बहू कौन देता है, और अगर वापस आएगी तो वही आएगी यहाँ पे। त्रिलोचन बाबू, गलती तो हुई है और इस बार बड़ी गलती हुई है कि आपका बेटा और मेरी बेटी कल रात पूरी रात साथ में एक कमरे में थे। काका, मैं मिनी के साथ पूरी रात कमरे में था, जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। काका, मुझे तो डर लग रहा था, मैं उसका साथ देने वहां गया था उसको, उसका ख्याल रखने, रात बहुत थी, मैं थका हुआ था, पता ही नहीं चला नींद कब आ गई। जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं क्या मतलब निकाल रहे हैं ये लोग इन बातों का, कह दीजिए इनसे बेकार में राई का पहाड़ ना बनाए। बंदिता, इधर आओ। कहाँ गई थी? समझाया था ना मैंने तुझे, बाहर नहीं जाना है। हाँ, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, वैसा अपने घर से मुझे भेजते हुए क्यों नहीं सोचा पति बाबू ने? माँ, क्यों नहीं सोचा उन्होंने कि छोड़ी हुई औरत घर से बाहर नहीं जा सकती, खुलकर सांस नहीं ले सकती, अपने मन से जी नहीं सकती, उनको क्यों नहीं रोका ऐसा करने से किसी ने? माँ बोलना, माँ किसने बनाए ये सारे नियम औरतों के लिए? उनसे मिलना चाहती हूँ मैं, पूछना चाहती हूँ क्यों अलग अलग नियम बनाए हैं? आदमी के लिए कुछ और औरतों के लिए कुछ और, क्यों औरतों को आदमियों के बराबर अधिकार नहीं दिया जाता? माँ क्यों? माँ बोलना, बोलना माँ। क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ? अरे कुछ नहीं दीदी, आपकी ये भुक्कर, मेरा मतलब है आपकी प्यारी बेटी बंदिता का पेट तो लाड प्यार से नहीं भरेगा ना, उसके लिए खाना भी पकाना होगा, तो घर पे सारा सामान खत्म हो चुका है, आप मेरे साथ बाजार चलिए। हाँ दीदी, मैं आती हूँ, मैं अब भी आती हूँ। लंबे दिनों के लिए मायके जा रही हो क्या मामी? तभी इतने सारे कपड़े निकाले हैं बांधने के लिए। मायके नहीं, नदी पे जाना है, और वो भी तुझे। नाव से जाऊंगी क्या मैं अपने ससुराल, अपने पति बाबू से मिलने? बुलाया है क्या उन्होंने मुझे? पति बाबू मेरी शक्ल देखने को तैयार हो गए? गाँव वाले तेरी अपशगुनी शक्ल नहीं देखना चाहते, तुझे क्या लगता है तेरे ससुराल वाले देखना चाहते तेरी शक्ल? ओ काली माँ, अब तो मैं तुझे नदी पे भी नहीं भेज सकती, तेरी अपशगुनी शक्ल देख के सब तो हम पे थूथू करेंगे, तो तू एक काम कर, तू घर के पीछे जा और ये सारे कपड़े अच्छे से धो दे बंदिता,
समझी? बोधी, इतने सारे कपड़े कैसे धोएगी बोंदिता? हो, इतने सारे कपड़े? काश दीदी आप कभी ये भी कह देती कि इतना सारा खाना कैसे खाएगी बोंदिता? पर आपने कभी नहीं कहा ना? तो जैसे चप्पड़ चप्पड़ करके ये खाना खाती है ना, वैसे ही रगड़ रगड़ के सारे कपड़े धोएगी। क्यों बोंदिता, ऐसे अच्छे से कपड़े धो देगी ना तू? अब दीदी देखो, आपकी बेटी बोंदिता ना रॉय चौधरियों की बहू नहीं रही, तो घर के सारे काम करने की आदत डालनी होगी। अब देखिए दीदी, छोड़ी हुई औरत तो ये सारे ही काम करती है ना? मामी। बस बोंदिता, अपना ख्याल रखना बेटा, कहीं बाहर मत जाना, और कहीं अगर जाना हो तो मुझसे पूछ कर जाना, ठीक है? जा बोंदिता, धीरे धीरे करके कपड़े धो दे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.